देखें जी, गुजरात में पेट्रोल एक दफा फिर जो है वो नायाब हो चुका है और पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो है वो मीलों लंबी लाइनें जो है वो भी देखी जा सकती हैं और शहरी जो है वो रात से ही पेट्रोल के लिए खज्जल खवार हो रहे हैं, जबकि बेशतर पेट्रोल पंप जो है उन्होंने अपनी सप्लाई जो है वो मुअत्तल कर दी और पेट्रोल पंप जो है वो बंद कर दिए। जबकि इस हवाले से हमारी पेट्रोल पंप मालकान से जो बात हुई तो उनका कहना यह था कि इस वक्त जो है वो सिर्फ पीएसओ पंप को जो है वो सप्लाई दी जा रही है और पीएसओ पंप को भी रोजाना की बुनियाद पर जो है वो उनकी डिमांड से कम सप्लाई दी जा रही है, जिसकी वजह से जो है वो रश पड़ रहा है। और दूसरी जानब जो है वो शहरी भी जैसे ही पेट्रोल की जो है वो अफवाहें उन तक पहुंचती है कि पेट्रोल जो है वो नायाब या शॉर्ट हो रहा है, तो लोग अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा पेट्रोल जो है वो डलवाने की कोशिश करते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल जो है वो भरवा लिया जाए ताकि आने वाले दिन जो है वो हमारे लिए आसान गुजरे, जिसकी वजह से पेट्रोल जो है वो बहुत जल्द खत्म हो जाता है पेट्रोल पंप्स के ऊपर और पेट्रोल पंप्स जो है वो बंद कर दिए जाते हैं। जबकि इस हवाले से शहरियों का कहना यह है कि पेट्रोल के लिए उन्हें जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, घंटों जो है वो लाइन में लगने के बाद जो है वो उनको पेट्रोल मुहैया हो रहा है। जबकि शहरियों की जिली इंतजामिया और हुकूमत पाकिस्तान हुकूमत पंजाब के साथ भी ये मुतालबा है कि पेट्रोल पंप्स की सप्लाई जो है वो मुकम्मल की जाए ताकि पेट्रोल पंप्स जो है वो लोगों को सप्लाई दे सके और लोगों की जिंदगी का पहिया जो है वो भी चल सके। जी